नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांग। मुंबई में पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो आतंक का नया पेशेवर चेहरा है। ये चेहरा समंदर के रास्ते आता है और सड़कों पर कत्लेआम मचाता है, फिर मुंबई के दो सबसे बड़े होटलों में दाखिल होकर लोगों को मारता है। उसका खात्मा करने में 3 दिन लग जाते हैं और पूरी दुनिया देखती है भारत के सुरक्षा तंत्र का हाल। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। क्या आतंक के इस नए चेहरे से लड़ने के लिए हम तैयार हैं? आप भी अपनी राय एमयू के लेकर 56388 पर एसएमएस करें। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है muk@ndtv.com। और मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान। सबसे पहले मिलिए मुंबई से आए अभिनेता फारूक शेख से। उनसे पूछेंगे मुंबई उनको कितनी सुरक्षित लगती है और कितना सुरक्षित लगता है ये देश। हमारे दूसरे खास मेहमान है शेषाद्री चारी, बीजेपी से हैं। उनसे पूछेंगे नेता लोग कब खत्म करेंगे आतंक पर राजनीति। हमारी तीसरी खास मेहमान देश की मशहूर पुलिस अफसर रह चुकी किरण बेदी, पूछेंगे हमारी सुरक्षा में इतनी दरार क्यों। इसके अलावा चलेंगे कानपुर, जहां हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल। जानेंगे सरकार इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है। कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे बीजेपी के नेता दिल्ली से अरुण जेटली। जायसवाल साहब, 2 साल पहले डीजी कॉन्फ्रेंस हुई थी और गृह मंत्री ने कहा कि आतंक का खतरा समुद्र के रास्ते से है। 5200 किलोमीटर लंबी हमारी समुद्र की सीमा है। पिछले ही महीने जो हमारे रक्षा मंत्री हैं एके एंटनी, उन्होंने कोची में कहा कि आतंकवादी पश्चिमी समुद्र तट से आ सकते हैं। ये तो हाल की बात है। 15 साल पहले मुंबई में जब धमाके हुए पिछली बार, तो जितना भी आरडीएक्स आया वो यहीं पर आया। रायगढ़ जिले में उतरा आरडीएक्स 15 साल पहले 1993 में। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब आप इतनी बातें जानते हैं, जब इसका एक इतिहास है, फिर आप कुछ करते नहीं हैं, आपको बने रहने का क्या हक है? हमने मुख्यमंत्रियों की बैठक में स्पष्ट कहा था कि जब तक रिवराइन बॉर्डर को आप लोग सेफ नहीं बनाएंगे, जब तक उसकी सुरक्षा के विशेष उपाय नहीं करेंगे, तब तक किसी भी समय समुद्री मार्ग से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमने मुख्यमंत्रियों से ये कहा था कि आप हमसे पैसा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा चेक पोस्ट आप अपने यहां बनाइए। हमने इसके लिए गुजरात और महाराष्ट्र के सरकार को और आंध्र की सरकार को काफी पैसा भी दिया, उन लोगों ने चेक पोस्ट भी बनाई। लेकिन ये सच है कि जितने कदम राज्यों को उठाए जाने चाहिए थे उतने कदम अभी तक नहीं उठाए गए। श्री प्रकाश जी, आप एक तरीके से अपनी सीधी जिम्मेदारी से क्या बचने की कोशिश कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, 2 साल पहले आपने 41 करोड़ महाराष्ट्र सरकार को दिए कि वो मोटर बोट खरीदे, वो ऐसे दूरबीन खरीदे जिनसे रात में दिख सकता है, संचार के साधन खरीदे। उन्होंने जरूर वहां पर पुलिस पोस्ट बनाए हैं जिसमें लोग नहीं है, लोग बारी बारी से ड्यूटी वहां पर करते हैं। और पेट्रोलिंग के लिए जो आप नाव लेते हैं वो मछुआरों से किराए पर लेते हैं। क्या कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? स्पेशल बोट्स के ऑर्डर दिए गए हैं जिसको कि 1.5 साल के अंदर ऑर्डर पूरा करने के लिए विदेशी एजेंसियों ने कहा है। मार्च तक स्पेशल बोट्स भी आनी है। आपको और किसी हथियार की तो अपनी सरकार है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, जिम्मेदार सरकार। सवाल अपनी और पर एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा, जयसवाल जी मैं आपसे जवाब लूंगा, एक मिनट मैं आपसे जवाब लूंगा। शेषाद्री चारी, एक जो ये बात है कि ये राज्य का मामला है, ये कहकर लगातार बचती रहती है सरकारें, किसी की भी सरकार हो, आपकी सरकार में भी यही बात सुनने को मिलती थी कि ये राज्य सरकारों का मामला है, हमारा मामला अलग। आप आरोप करने के पहले अपने तथ्यों को ठीक ढूंढ लीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि ये राज्यों का मामला है। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, हमने ये नहीं कहा कि दिल्ली सरकार का मामला है। नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार उसके का मामला बाद, है नहीं। उसके बाद वो जो तो आप भी हुआ, उसके बाद होगा तो आपका मामला है, केंद्र सरकार का मामला है। उसके बाद पार्लियामेंट में जितनी तैयारियां की गई, जितनी मुस्तैदियां की गई हैं, उसके बाद आज तक एक भी आतंकवादी को ये नहीं ध्यान में आया कि पार्लियामेंट में अटैक करना चाहिए।